टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय लोग भले ही आधुनिक हो गए हों, इंटरनेट और मोबाइल का जमकर प्रयोग कर रहे हों, लेकिन सोच के मामले में दकियानुसीपन अभी भी जारी है। ज्यादातर लोग 2019 में भी किसी अनजान व्यक्ति से मिलने पर उसका नाम इसलिए पूछते हैं ताकि उसकी जाति या धर्म का पता चल सके। शहरों में भले ही जातिवाद कम नजर आता हो, लेकिन गांव में जहां कानून की स्थिति बहुत कमजोर है, अभी भी दलितों के हाथ का खाना पीना तो छोड़िए, उनकी परछाई से भी दूर रहा जाता है। क्या आप ब्राह्मण होने से ही श्रेष्ठ हो जाते हैं? क्या आप दलित होने से घटिया हो जाते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर जानते हुए भी हम आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द मुल्क जैसी बेहतरीन फिल्म बनाने वाले निर्देशक अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 नामक फिल्म बनाई है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान माना जाना चाहिए, लेकिन संविधान लागू होने के वर्षों बाद भी परिस्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं आया है। उत्तर प्रदेश स्थित लाल गांव की कहानी है। अपर पुलिस अधीक्षक अयान रंजन की यहाँ पोस्टिंग होती है। उनके सिपाहियों में कोई ब्राह्मण है तो कोई ओबीसी तो कोई दलित। ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच है और दलितों में भी। इसी जातिवाद के चश्मे से वे थाने में आने वाली शिकायतों को देखते हैं। गांव से 3 दलित लड़कियां गायब हैं। 2 लड़कियों की लाश अगले दिन पेड़ से टंगी मिलती है। 1 लड़की का पता नहीं चलता। अयान इस मामले की छानबीन शुरू करता है तो उसे समझ में आता है कि दलितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इन लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ है और उनकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने 3 रुपए मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। इस कहानी में राजनीति और पुलिस को भी लपेटा गया है। ऊंची जाति और नीची जाति के भेद पर कई राजनीतिक पार्टियां रोटी सेक रही है और चाहती है कि ये भेद बना रहे, तो दूसरी ओर ब्राह्मण दलित एक हैं जैसे नारे भी पार्टियां देती हैं। दलित नेताओं को भी नहीं छोड़ा गया है। ये दलित नेता सत्ता पाते ही बुद्ध बनवाने लग जाते हैं और विपक्ष में आते ही दलित बन जाते हैं, जैसे संवाद सुनने को मिलते हैं। दलितों को भी संदेश देती है कि यदि वे हिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान उनका ही होगा। गायब लड़की को तलाशते हुए अयान के जरिए फिल्म आगे बढ़ती है और साथ में जातिवाद के मुद्दे को बेहतर तरीके से उठाती है। कुछ दृश्य तो सिरहन पैदा करते हैं। गंदगी से भरे चेंबर में सफाई कर्मी डुबकी लगाता है ताकि उसका शहर स्वच्छ रहे, लेकिन उसको कभी भी इस काम की सराहना तो दूर सुरक्षा के उपकरण भी नहीं मिलते। अयान के अपने साथियों के साथ बातचीत वाले दृश्य भी बेहतरीन बन पड़े हैं। मामला जब बढ़ जाता है तो CBI ऑफिसर आता है और अयान से सवाल जवाब करता है। फिल्म का यह हिस्सा बहुत अच्छे से लिखा गया है और यह बातचीत भी सुनने और देखने के लायक है। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने लेखन और निर्देशन का काम शानदार तरीके से किया है। उन्होंने बेहतरीन लोकेशन चुनी है और फिल्म को रियलिस्टिक लुक दिया है। अल सुबह और शाम ढलते हुए कई दृश्यों को शूट किया है जिससे दृश्यों की गहराई बड़ी है। उन्होंने अयान के किरदार को हीरो जैसा न रखते हुए एकदम नॉर्मल रखा है और फिल्म में एक डायलॉग भी है कि हम हमेशा हीरो की राह क्यों देखते हैं। एक और बढ़िया डायलॉग है, यदि सभी समान हो गए तो राजा कौन बनेगा। इसका जवाब भी दिया गया है, राजा की जरूरत ही क्या है। फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे कहीं कहीं फिल्म बहुत स्लो है। कुछ सीन ऐसे भी है जो नहीं भी रखे जाते तो भी फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अयान का मामले की तह में पहुंचने वाली प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन एक पावरफुल मुद्दे के तले ये कमियां दब जाती है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी शानदार है, किरदारों के तनावों को अच्छे से उभारा गया है। बधाई हो या अंधाधुंध वाले किरदारों से बिल्कुल अलग किस्म का किरदार आयुष्मान खुराना ने यहाँ निभाया है। लगता ही नहीं कि वे एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही संयत तरीके से उन्होंने अपने किरदार को जिया है। निर्देशक ने अन्य कलाकारों को भी उभरने का मौका दिया है और इसमें से मनोज पाहवा तो बेहद असरदार रहे हैं। कुछ सीन में वे बैकग्राउंड में हैं, लेकिन वहां पर भी वे अपनी छाप छोड़ते हैं। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपने किरदार को कितना बारीकी से समझा है।
कुमुद मिश्रा लगातार अपने अभिनय से प्रभावित करते रहे हैं और आर्टिकल 15 भी उनके अभिनय से सजी हुई है। कुछ फिल्में मनोरंजन करती है और कुछ झकझोरती हैं। आर्टिकल 15 दूसरी कैटेगरी की फिल्म है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।